बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसक आईटी स्कूल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वीयर्स, पिछले टूल में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज हम नए टूल के मतलब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्मार्ट टूल के मतलब बताऊँगा। स्मार्ट फिल टूल क्या होता है? बेसिकली ये कलर फिल करने के लिए होता है। कलर तो हम दूसरे तरीके से भी फिल करते हैं, लेकिन वो पूरा फिल कर देता है। इसका मैं आपको इस्तेमाल इस तरह बताता हूँ। ये देखिए, अगर हम कोई शेप ऐसे ड्रा करते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर ये दरमियान वाला कर्व फिल हो तो इस तरह ये कलर फिल कर सकते हैं हम। इसके ये मुख्तलिफ शेप बना देता हूँ ताकि आपको इजीली आसान नहीं रहे। ये देखिए भैया, ये मैंने मुख्तलिफ शेप बना दी हैं। अब इनमें कलर फिल करने के लिए करना क्या है, आपने ये स्मार्ट फिल कलर जो है इस पर क्लिक कर देना है वियर। अब जब क्लिक करेंगे तो जिस हिस्से को आपने फिल करना है वो हिस्सा फिल करने के लिए, पहले हम क्या करते थे, पहले अगर किसी को कलर को करना होता था, मसलन इसको कलर करना होता था, सिर्फ राइट क्लिक करना होता था, अंदरूनी कलर हो जाना था। और अगर लेफ्ट क्लिक करते तो इसकी ये साइडें वियर हो जाती थी। ये मैं बता चुका हूँ पहले पिछली वीडियो में हम आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने करना है तो इसको कैसे करेंगे। ये देखिए, जब हम इधर आएंगे भैया तो सिर्फ आपने इस हिस्से को क्लिक करना है जिस हिस्से को आप कलर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देना है, ये कलर हो जाएगा। इसका कलर चेंज करने के लिए आपने कोई सा भी कलर इसमें कलर कर देना है भैया। ये देखिए कलर हो जाएगा। इस तरह इधर इस हिस्से को कलर करना है तो वो कलर हो जाएगा, उसको मुख्तलिफ कलर आप दे सकते हैं। इस तरह इस हिस्से को कलर करना है भैया। अगर इन हिस्सों में दरमियान में से किसी हिस्से को करना है, मैं फर्ज करता हूँ मैं ये वाला हिस्सा करना चाहता हूँ। ये देखिए ये हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा वियर। अब अगर इन हिस्सों को अलग करना चाहते हैं वियर, सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे, ये एक अलग ही ऑब्जेक्ट या हमारे पास तस्वीर बन जाएगी, ये पिक्चर आ जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ वियर हम बना सकते हैं इनसे। तो ये बढ़िया इंटरेस्टिंग टूल है वियर, इससे मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रा कर सकते हैं हम इजीली, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब इससे नेक्स्ट टूल वियर हमारे पास ड्राइंग टूल आ जाएगा, स्मार्ट ड्राइंग टूल। इसमें हम जब टेढ़ी सी ड्राइंग करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सीधी कर देता है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ पहले, ये देखिए ये टेढ़ी सी रेक्टेंगल बनी है भैया, ये कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली सीधी कर दी है। अब मैं एक त्रिकोण बनाता हूँ भैया, ये देखिए ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको ये देखिए सेट कर देगा। इस तरह अब मैं एक स्केयर शेप बनाता हूँ यार, ये देखिए ये स्केयर में शेप आ जाएगी हमारे पास। अगर ओवल में शेप बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह आपको बनाकर दिखा देगा, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ शेप आपको बनाकर दिखा देगा। अब इससे नेक्स्ट टूल वियर्स हम चलते हैं, रेक्टेंगल शेप बनानी है वियर्स। रेक्टेंगल शेप बनाने में इसके में मुख्तलिफ ऑप्शन है वियर्स, ये पहले भी मैं बनाता रहा हूँ मुख्तलिफ वीडियो में।
लेकिन आज इसकी डिटेल में मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको कैसे हम इसके काम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है वी एज, आपकी रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगी, ये रेक्टेंगल बन जाएगी जैसे भी आप इसका बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा तरीका इसको बनाने का ये है कि आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है, तो शिफ्ट बटन से इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि इक्वली ये आपकी बनेगी ना, लंबी चौड़ी बनेगी ना इसके, यानी कि इसकी चौड़ाई और लंबाई इक्वल होगी शिफ्ट बटन से। ये देखिए, ये देखिए, इसको यानी कि मुख्तलिफ आप कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी ही इसकी चौड़ाई और लंबाई होगी जितनी आप करना चाहते हैं। अगर कंट्रोल से करेंगे, कंट्रोल से ये कंट्रोल आपका हाथ में आ जाएगा, तो इसके किनारे और लंबाई जो है वो इक्वल हो जाएगी। ये देखिए, ये ना ज्यादा करेगी लंबाई को ना चौड़ाई को ज्यादा करेगा, ये इक्वल हो जाएगा। शिफ्ट बटन से क्या होगा कि शिफ्ट बटन से इक्वली लंबाई भी हो जाएगी, इक्वली चौड़ाई भी हो जाएगी। जब आप इनको प्रेस सेट करेंगे तो ये आपको बताएगा इस तरह भी, एज आप आल्ट बटन प्रेस करेंगे, आल्ट बटन से भी ये काम करेगा। ये देखिए, आल्ट बटन प्रेस, ये आल्ट बटन प्रेस करने से भी आपकी स्क्वायर शेप बनेगी, लेकिन इसके डिफरेंट तरह से ये रेक्टेंगल बनेगी। ये आपको प्रैक्सेट करने पर ही पता चलेगा भी, एज एक प्रैक्सेट करेंगे। अब जब कंट्रोल प्लस आल्ट करेंगे भी, एज तब आप देखिए कि किस तरह का ये बनता है। ये इसी तरह वीएस जब शिफ्ट प्लस आल्ट करेंगे तब देखिए फिर रेक्टेंगल का शेप किस तरह बनती है। ये देखिए वीएस, इस तरह मुख्तलिफ शेप बननी और शुरू हो जाएंगे हमारे पास। इन सबको वीएस मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी भी अब आपको बनाकर दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टीज कैसे। ये एक हमने रेक्टेंगल बना लिया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मतलब बता चुका हूँ भैया। जब आप इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो जानते हैं मैथ को वो अच्छी तरह जानते हैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है भैया। ये देखिए, दो की बजाय जब तीन करेंगे, और इसी तरह नाइन की बजाय जब एट करेंगे, ये देखिए इस तरह हम मुख्तलिफ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद रियाज ये भी हमारे पास आ जाएगा चेंजिंग करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए। इधर तीन है तो इसको मैं दो कर देता हूँ। ये देखिए, वन है तो टू कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइज के चेंजिंग होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वीएस, इसके मुख्तलिफ साइज आ जाएंगे हमारे पास। बाद वीएस इससे नेक्स्ट ये परसेंटेज होती है जितनी आपने चेंजिंग की होती है ये करने के लिए। उसके बाद ये एंगल आ जाएगा वी एज, इसको ये पहले ही बता चुका हूँ किस एंगल पर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं वो रोटेट कर सकते हैं। साइड में वी एज एक लॉक आ जाएगा, लॉक रेशियो, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो जहाँ पर आपकी बनी होगी वहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। ये एंगल को रोटेट करके वी एज मैं बताता हूँ, जब आप इसको 45 डिग्री करेंगे, ये देखिए इसी तरह मुख्तलिफ एंगल आप कर सकते हैं, 90 डिग्री भी कर सकते हैं जिस एंगल पर आप प्रेशर रखना चाहते हैं। इसके
बाद भैया ये मिरर हॉरिजेंटल आ जाएगा, ये इस पर तो आपको नहीं समझ आएगी भैया, यहाँ पर मैं कोई टैक्स आपको लिख कर बताता हूँ जिससे आपको पता चले। इधर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ भैया, ये देखिए भैया मेरा नाम लिखा जा चुका है। इसको मिरर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, ये देखिए जब इसे मिरर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये आपको उल्टा नजर आ जाएगा, यानी यू पहले था अब मेरा यू एंड पे चला जाएगा, ये देखिए। इसी तरह मिरर वर्टिकल, ये मेरा नाम वर्टिकल ऐसे कर देगा, उल्टा दिखा देगा, तमाम जो अल्फाज हैं वो उल्टे आ जाएंगे ये खाने के लिए। अच्छा भैया ये मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ भैया, ये जो कॉर्नर है राउंड, अगर इसके कॉर्नर आप राउंड करना चाहते हैं, जितने भी आप राउंड करना चाहते हैं तो आप इजीली राउंड कर सकते हैं, ना भी राउंड करना चाहते हैं इसके जरिए आप राउंड कर सकते हैं, और ये स्क्लोर्स एंड कॉर्नर कर सकते हैं इसके जरिए। इस तरह ये आ जाएगा कंफर्म कॉर्नर, इसके कर सकते हैं। पहले हम इसको मैं बताता हूँ भैया, जब आप इसके राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पर 0.5 करता हूँ भैया, यहाँ पर 5 का एक कॉर्नर आपको पुल करेंगे, ये देखिए। ये इस तरह आप इसके कॉर्नर चेंज कर सकते हैं, इस तरह भी अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ इसके कॉर्नर अलग अलग चेंज करूं, तो आपने करना क्या है कि एक कॉर्नर को आपने सेलेक्ट करके चेंज कर देना, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक ही कोना गोल हो, यानी कि इसके एक कोने को मैं गोल करूं, तो उसके लिए ये आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, तो खोल देना है व्हील। खोलने के बाद अब इधर आप जब इसे नंबर देंगे, फर्ज करो मैं इधर व्हील 5 नंबर दे देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद जब मैं इसे नंबर देता हूँ भैया, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए भैया, अगर इधर 0.1 करूँ भैया, अब देखिए इस तरह चेंजिंग हो जाएगी, मुख्तलिफ चेंजिंग आप कर सकते हैं किसी भी एंगल पर करना चाहते हैं, वो एंगल आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे इस एंगल को चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए। ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी व्हील। इस तरह व्हील अगर आप चाहते हैं कि इसके नोड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप पहले बता चुका हूँ, शेप टूल के जरिए जितना नोड इसके चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, इसको अंदरूनी टाइप भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वियर, जिस शेप में भी आप करना चाहते हैं वियर उस शेप में आपको जाहिर कर देगा। उसके बाद वियर हमारे पास है, इसको मोटाई को चेंज करने के लिए होता है ये वाला ऑप्शन, तो जितना लाइन में मोटाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद वियर यहाँ पर मैं इसका एक ऑप्शन बताता हूँ, इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है,
ये देखिए कंट्रोल डी प्रेस किया, ऑटोमेटिकली एक कॉपी बन गई है। अब इसकी जितनी कॉपियां करना चाहते हैं वो कॉपियां आप करते जाएं भैया, कंट्रोल डी करके इतनी कॉपियां बनती जाएंगी। दूसरा तरीका क्या है भैया, दूसरे तरीके में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपने माउस के क्लिक का माउस को लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, जहाँ पर आप कॉपी को रखना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ, ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था भैया के राइट क्लिक करना है, आपने राइट क्लिक करना है ये देखिए, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये आपसे पूछेगा कॉपी हेयर, तो कॉपी कर देना है आपने। इसके बाद भी मज़ीद कॉपी करने के लिए आपने इसको कंट्रोल आर करते जाना है ऐसे, ये एक तरह की मुख्तलिफ आपके पास तो शेप बन जाएगी, नई ही शेप बन जाएगी इसको। कलर कर सकते हैं वीर, ये देखिए एक नई शेप आपके पास आ जाएगी, इस तरह मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं वीर। उसके बाद वीर ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट में आगाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।